हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। IGS इंजीनियर चैलेंज, आज मैं आपको बताऊंगा कि AutoCAD में किसी भी ड्राइंग का, किसी भी ऑब्जेक्ट का कैसे हम एरिया फाइंड करते हैं। सबसे पहले आपने AutoCAD ऑन कर लीजिए, जैसे कि मैंने ऑन कर लिया। यहाँ पे मैं कोई ड्राइंग बनाता हूँ, सपोज लाइन कमांड लिया, ठीक है, कोई भी कमांड लिया, ये कर लिया, ये जैसे हमारा तिरछा एरिया ऐसे कुछ एरिया रहता है, ठीक है। तो मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए हमारा सर्किल एरिया भी है, मैंने इतना सर्किल ले लिया, ठीक है। अब मान लीजिए ये एरिया हमको डिलीट करके हमें ऐसे एरिया का सिर्फ एरिया चाहिए, तो आप इस कुछ नहीं, नॉर्मली आप लीजिए बाउंड्री कमांड लीजिए। क्या करना, बाउंड्री बी ओ बाउंड्री कमांड लिया, एक पॉइंट लिया एंड ओके किया, ठीक है। एक इंटरनल पॉइंट आप इसके अंदर कीजिए, देखिए कोई भी लाइन, पहले मैं आपको बता दूं कि वो जुड़ा होना चाहिए, तभी ये बाउंड्री कमांड काम करेगा एक साथ में, ठीक है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, इससे कोई भी लाइन जुड़ा हुआ होना चाहिए तभी ये बाउंड्री कमांड काम करेगा। तो आप नॉर्मली जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया, एक इंटर कर लीजिए, ठीक है। अब इसको कुछ नहीं, नॉर्मली आप सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट हो गया। इसका देखने के लिए एरिया दो कमांड है अपने पास, तो आप इस पर राइट क्लिक कीजिए और ये प्रॉपर्टीज़ पे आ जाइए, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ आ गया हमारा, इसको स्क्रॉल ऊपर कीजिए, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट, ये देखिए जैसे हमारा इसमें देखिए कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं इसमें। देखिए ये एरिया हमारा 2134.195 सो हो रहा है, ठीक है। लेंथ हमारा टोटल 204.380 है, ओके। हम कैंसिल कर दे रहे हैं इसको, प्रॉपर्टीज को। अब मान लीजिए हमें जैसे सर्किल का सिर्फ इतने का एरिया चाहिए, ठीक है, और इसको आप दूसरी कमांड से भी अपना एरिया देख सकते हैं। जैसे कि दूसरा कमांड है लिस्ट, ठीक है, लिस्ट इंटर कीजिए, सॉरी, और डबल इंटर कर दीजिए, ऑब्जेक्ट पे क्लिक कीजिए एंड लिस्ट कमांड एंटर। ये देखिए हमारा एरिया आ गया 2134.195 पेरीमीटर 204.380, ठीक है। इसको एक और भी कमांड है डबल ए एरिया। अब देखिए इसमें आ रहा है ऑब्जेक्ट, आ रहा है ऐड एरिया, आ रहा है सब्ट्रैक्ट एरिया, तो आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर लीजिए। आप नॉर्मली वैसे भी ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं वन बाई वन, अगर आप ऑब्जेक्ट पे लेंगे तो एक साथ कर सकते हैं। तो मैंने ओ लिया, एंटर कर दिया, अब ऑब्जेक्ट मेरा पहले से ही है बाउंड्री कमांड के साथ, ये किया, देखिए नीचे एरिया और पैरामीटर शो होने गया, ठीक है। अब जैसे हम मान लीजिए यहाँ का एरिया फाइंड करना है, तो आप नॉर्मली कुछ न करिए, कमांड से बाहर आइए और फिर से बाउंड्री कमांड लीजिए। कमांड लिया, एक पॉइंट, मैंने कुछ नहीं करना, ओके कर देना है और इसके बीच में एक इंटर कर देना, ये एरिया हमारा सिलेक्ट हो गया, एक इंटर कर दीजिए, हो गया। अब फिर से आप नॉर्मली वैसे ही क्लिक कर सकते हैं, जैसे मैंने एक क्लिक किया। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपके पास तीन हैं, एक तो राइट क्लिक कीजिए, सॉरी, मैंने राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ पे आया, इसमें आप चेंज भी कर सकते हैं इसका। ये देखिए एरिया शो होने लगा 212.994 एंड ये, और सेकंड मैंने बताया था आपको कि आप कुछ नहीं, लिस्ट कमांड यूज कीजिए, सॉरी, जैसे मैंने सेलेक्ट किया लिस्ट कमांड, ठीक है, इंटर कर दिया, ये देखिए हमारा एरिया शो हो रहा है, पैरामीटर शो हो रहा है एंड, और आपको तीसरा मैं बता रहा हूँ एरिया कमांड से, डबल ए एरिया इंटर किया,
ऑब्जेक्ट इंटर किया एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, ये देखिए नीचे शो हो रहा है एरिया और पिरामिड। सो धन्यवाद दोस्तों, आज अब मैंने आपको तीन तरीके से बताया कैसे हम एरिया फाइंड करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। सो थैंक यू।